के परिवेश में जीना मुश्किल हो गया है। आज के परिवेश में ज्यादा घृणित और घिनौना घट रहा है देश में, और चिड़ियों जैसी बेटियों की हम स्वयं रक्षा करें, चिड़ियों जैसी बेटियों की हम स्वयं रक्षा करें। बाज भी कुछ घूमते हैं आदमी के वेश में। बेटियां बैठी हैं, बहुत देर से बैठी हैं, चार एक छंद में बेटियों को समर्पित करता हूं कि दुर्गा जी जा लक्ष्मी पन्ना और के कैसी त्याग शौर्य का संस्कार होती बेटियां, दुर्गा जी जा लक्ष्मी पन्ना और के कैसी त्याग शौर्य का संस्कार होती बेटियां, गार्गी अपाला घोषा लोपा अनुसुया जैसी वेदों की विदुषी जानकार होती बेटियां, और सरस्वती लक्ष्मी काली पार्वती जैसी, सरस्वती लक्ष्मी काली पार्वती जैसी भक्ति और शक्ति का अवतार होती बेटियां। हाथ जोड़ बार बार कर लो नमन इन्हें, हाथ जोड़ बार बार कर लो नमन इन्हें, सारी सृष्टि का आधार होती बेटियां। बढ़िया जी, बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत। बड़े भाई आदरणीय भ्राता श्री विजेंद्र गर्ग जी उपस्थित हैं, उनका मार्गदर्शन और सानिध्य हमें समय समय पर प्राप्त होता है। हापुड़ नगर के साथ साथ अन्य संस्थाओं से भी बहुत, वो भारत स्तर की, भारतीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनसे भी अनेक संस्थाओं में पदाधिकारी हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं हिंदी साहित्य, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी जी को इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। माँ हमारे जीवन का एक ऐसा शब्द है जो बड़ा पावन और पुण्य है। मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक पिता होता है, 10 पिताओं के बराबर एक आचार्य होता है, और 1000 आचार्यों से बढ़कर एक माँ होती है। उसी माँ की वंदना करता हूँ कि माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार, माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार, पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिलाना माँ का प्यार, माँ को समझो, माँ को जानो, और गर्भ काल से जन्म काल तक हर पीड़ा दुखदाई है। आदरणीय बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा व्यवधान होता है, आप सब समझते हैं, ध्यान उधर ही रहता नहीं, जी हाँ, 1 बजे आप सब यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा आपको, जो आप बड़े भाई का आदेश हुआ है के गर्भ काल से जन्म काल तक हर पीड़ा दुखदाई है, प्रसव पीड़ा सही न जाए फिर भी माँ हर्षाई है, मुख चंदा सा चमक उठा जब माँ की गोद में हम आए, सब आभूषण पत्थर हो गए केवल हम ही हम भाए, तब माँ ने हमें दूध पिलाया, तब माँ ने हमें दूध पिलाया, सुनकर देखो करुण पुकार, पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिलाना माँ का प्यार, और सबकी चिंता रहती हर पल माँ की एक एक करवट में, साथ खड़ी रहती माँ देखो हर विपदा हर संकट में, जब जब देखो पड़ी जरूरत संकट विपदा में धन की, तब तब देखो बलि चढ़ी है माँ के कुंडल कंगन की, माँ के चरणों में है जन्नत, माँ के चरणों में है जन्नत, माँ के आंचल में संसार, पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिलाना माँ का प्यार। और अंतिम बंद रखता हुआ इसमें अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि माँ का दिल को मल कलियों से भरा हुआ एक उपवन है, गंगा जैसा माँ का दिल है और काशी सा पावन है, गंगा जैसा माँ का दिल है और काशी सा पावन है, कष्ट उठाकर भी तुम माँ का खुशियों से दामन भर दो, माँ तो माँ है माँ की खातिर सब कुछ न्योछावर कर दो, और माँ के ऋण उतरे
ना हमसे, माँ के ऋण उतरे ना हमसे, ना उतरे माँ के उपकार। पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिला ना माँ का प्यार। माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार। पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिला ना माँ का प्यार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी का।